और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो के लिए, बिकॉज टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय सेल्फ एज अ मॉडल फॉर द बिगेस्ट अवार्ड शो इन दिल्ली एनसीआर, विच इज़ द एलीट चॉइस 2023। ये जो अवार्ड शो है ना, बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट के लिए है और मैं अभी करंटली उन्हीं का वेट कर रही हूँ। आई होप वो जल्दी से आए तो आपको भी मिलवाती हूँ उनसे। शी इज़ गोना बी माय मेकअप आर्टिस्ट फॉर टुडे। सो बेसिकली दिस अवार्ड शो इज़ ऑर्गेनाइज इन द्वारका एट दी होटल वेलकम ITC, एंड अभी मैं करेंटली वहीं पे हूँ। मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, आई एम एक्चुअली लविंग द वाइब है। तो अब मैं उनका वेट करती हूँ, फिर धीरे धीरे यू नो मेकअप स्टार्ट हो गए। एंड टू रिवील, आज की जो जज होंगी शी इज़ गोना बी सृजिता दे। आई एम श्योर आपको उनके बारे में पता होगा, बिकॉज शी इज़ द फेमस इंडियन एक्ट्रेस ऑल्सो, वो बिग बॉस 16 में भी आई थी। तो मुझे लगता है यू माइट बी श्योर, एंड देखते हैं उनके साथ यू नो कनेक्ट कर देगा अगर मौका मिले। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी थोड़ी ना प्रिपरेशन चल रही है, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा जल्दी आ गई। कमाल चल रही, तो इवेंट स्टार्ट होने में ना अभी थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि इवेंट कुछ 11 से 12 बजे शुरू होना था और हम वहाँ पे 9 बजे ही पहुँच गए थे, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगना था। इसलिए अभी सारी की सारी डेकोरेशंस अभी इन प्रोग्रेस हैं, इन प्रोसेस हैं। फिर उसके बाद हमारी एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हो गई फॉर बोथ दी मॉडल्स एंड द मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। तो दोनों को ही बैंड बनाया गया था। एंड देन उसके 15-20 मिनट्स बाद मैंने अपना कॉस्ट्यूम में आई, मैंने अपना लहंगा चेंज कर लिया। सो नाउ लेट्स सी द एंटायर वीडियो। गाइस व्हाट्स अप, तो मैंने ना एक्चुअली चेंज कर लिया है एंड लहंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रहा है। मेकअप थोड़ा शुरू हो गया है एंड शी इज़ माय मेकअप आर्टिस्ट नेहा से हाय। तो देखते हैं कि मतलब लुक थोड़ा अच्छा हो, बिकॉज आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। चलो शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम। हाय गाइस, तो अभी एक्चुअली ना हमारा टी ब्रेक चल रहा है। मुझे पता है मैं थोड़ी अजीब लगी होंगी इस वक्त, क्योंकि अभी ना फुल मेकअप नहीं हुआ है। अभी उन्होंने थोड़े से ग्रीन और ऑरेंज कलर के वो किए हैं, कलर करेक्टर्स डाले हैं। तो अभी तो फुल मेकअप करना बाकी है, तब तक लेट्स हैव कॉफी। लिपस्टिक रह गई लगाने वाली, ये मैंने डाल दिया है। आई शो यू, बाल भी रह गए थोड़े से, देखते हैं अभी तुम्हारे पास टाइम है।
few moments later. Ready to welcome the hard work of all the makeup artists and my honorable jury members. Get ready to pin. Later. Hi guys, so since मैंने आपको बताया था कि you know this is an award show, रेडियो उठी में बिल्कुल, और आपने मेरा रैम कॉमेडी देखी होगा, मुझे कॉमेंट्स में बताने कि आपको कैसा लगा. Also let me know about my look. So since I told you कि रैम कॉक मैंने कर ली है, तो अब थोड़ा रिजल्ट का वेट हो रहा है. एंड आई गेस द इंडियन एक्ट्रेस श्रुजिता देव, शी मस्ट ऑल्सो बी कमिंग. शायद थोड़ा डिले हो गया है, लेट्स सी अगर हम उसे कैप्चर कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज टिल देन मेरे ख्याल से हमारा यू नो पैकअप ना हो जाए. सो लेट्स सी एंड वेट, एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है. इज द विनर ऑफ ब्यूटीफुल प्राइज ऑफ इंडिया सीजन 3. कांग्रेचुलेशंस अवेन, यू वर अमेजिंग. One hour later. The event is almost over and हम जीते तो नहीं, but उसका कोई यू नो ऐसा गम नहीं है, but we got a lot of compliments, okay? For the model also and for the makeup also. So उस हिसाब से I'm quite happy. But नहीं जीते, हार जीत तो चलो ठीक है, but मेरे लिए एक बहुत बड़ी opportunity थी, क्योंकि मेरा ये first time था and I actually loved it a lot. And देखते हैं क्या पता कि हमें और ज़्यादा you know मतलब collaborations हो regarding the model. So I'm very excited about it. And such an honor to go on to the Shrinda Day. Let's all get together to welcome to Shrinda Day of Big Boss 16. So let's all get together to welcome Shrinda Day of Big Boss 16 fame. No one can forget you. Yes, let's hoot for. Married, you have a beautiful, like very nice fiance. Congratulations on that too. And thank you. Let's get together for the award ceremony. Please, I request you all to be seated. And let's start the award section now. 1 hour later. Hey you guys, what's up? So actually जो event है वो पूरा wrap up हो गया है, और मैंने ना snacks भी कर लिए हैं. Snacks में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, but वो ना मैं cover नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि उसके बाद हमने undress किया, makeup remove किया, ये वो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा time लग गया था. But yeah, the event is over. I guess मैं भी यू नो अब रैप करती हूँ. And to यू नो मोर टू टेल, मुझे यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मतलब मेरे लिए ऐसा था कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिली मुझे, क्योंकि व्हेन आई वाज ड्रेस्ड यू नो तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स इतने ज़्यादा मिले लोगों से, और लोगों ने यू नो फोटोज क्लिक करवाई. अमंग द जो भी ब्राइड्स की आई हुई थी, नो डाउट सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे. बट यू नो लाइक आई एम नॉट ब्रैगिंग और समथिंग, बट लोगों ने बोला कि आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो. लोगों ने फोटो खिंचवाई, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, कह रहे थे कि हमारे लिए आप नंबर 1 हो, पर यू नो मेरा नंबर वगैरह भी लिया. जस्ट इन के दे ऑल्सो देवर सेइंग कि मुझे तो आप प्रोफेशनल मॉडल लग रहे हो. मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है,
दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग, सो आई गिवन माई नंबर्स एंड हो सकता है कि कुछ फ्यूचर यू नो अपॉर्चुनिटीज भी मिले मुझे, तो आप मेरे चैनल पर ट्यून्ड रहना इफ यू वॉन्ट टू सी सम यू नो दिस काइंड ऑफ एक्साइटिंग स्टफ. या दैट्स इट गाइस, सो नाउ आई थिंक आई एम एंडिंग माई ब्लॉग एंड थैंक यू अगर आपने मेरा ब्लॉग अभी तक देख रहे हो और पूरे एंड तक देखा है तो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस ब्लॉग देन यू नो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी.